नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राम राम ताऊ के अंदर। तो ये ट्रैक्टर आप देख रहे हैं महिंद्रा 605 DI और आई महिंद्रा नोवा है भाई, DX डीलक्स और DJI सेंसिंग 4G। तो इस ट्रैक्टर का रिव्यू करेंगे, क्या क्या फीचर इस ट्रैक्टर के अंदर दे रखे हैं, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना भाई, और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले अभी बात करते हैं आगे के टायरों की, तो 750/16 के भाई आगे के टायर मिलने वाले हैं। ये तो भी लगभग सभी ट्रैक्टरों में आपको मिलते हैं जो 50 HP तक के ट्रैक्टर होते हैं, लगभग सभी के अंदर है आपको 750/16 के ही मिलने वाले हैं आगे के टायर। आगे का भाई फ्रंट एक्सल है काफ़ी मजबूत और एडजस्टेबल दिया गया है, और डबल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग है जो महिंद्रा के लगभग सभी ट्रैक्टरों के अंदर डबल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग आता है। कई ट्रैक्टरों में सिंगल आते हैं तो भाई सिंगल के इतना बढ़िया बैलेंस नहीं होता जितना डबल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग का बैलेंस होता है, ये बढ़िया किया गया है। तो सबसे पहले भाई इस ट्रैक्टर के भाई HP की और कितने सिलेंडर इंजन है वो बात कर लेते हैं भाई। भाई बात करें भाई इसका सिलेंडर के, तो 4 सिलेंडर का बॉस का इनलाइन पंप इस ट्रैक्टर के अंदर दिया गया है। बात करें इस ट्रैक्टर के HP की, तो भाई ये ट्रैक्टर आपको 55.8 को लगभग 56 HP तक का ट्रैक्टर है ये, और 55 से लेकर 60 HP तक के बीच के ये कैटेगरी का ट्रैक्टर आ जाता है। और बात करें भाई इस ट्रैक्टर के CC की, तो भाई 3531 CC लगभग इसका इंजन दिया गया है, और जो ये अपनी 55 से 60 HP की ये ताकत है, ये 2100 रेटेड RPM अपनी ट्रैक्टर लगा देता है कि 2100 रेटेड RPM पे आप रखोगे तो ये 55 से लेकर जो 60 HP तक की कैटेगरी के अंदर ट्रैक्टर आता है ना, तो वो अपनी ये जो पूरी पावर है वो लगाता है ये ट्रैक्टर। और बात करें भाई इसके टूल बॉक्स की, तो साइड के अंदर आपको इसको टूल बॉक्स मिलने वाला है, और भाई यहाँ DJI सेंसिंग 4G बाय महिंद्रा भाई इसकी भैया आपको बैजिंग मिलेगी। और भाई सेंसिंग का DJI सेंसिंग मतलब भाई जो भी ट्रैक्टर के अंदर फॉल्ट वगैरह, और या आपका ट्रैक्टर भाई तेल ज़्यादा खा रहा है या ड्राइवर कोई काम कर रहा है वो जैसे भी लोड ले रहा है, तो उसका आपको फ़ोन के ऊपर मैसेज वगैरह सब कुछ वहाँ आ जाएगा। तो सेंसिंग है ये लगभग आजकल सभी ट्रैक्टरों के अंदर आने लग गया है। और सब बात करें भाई इसके चूल्हे की, तो बढ़िया मजबूत चूल्हा दिया गया है, और यहाँ भाई जो आपको अपना कोई बम्पर वगैरह फिट कराना है उसके लिए भाई 4 यहाँ आपको सुराख दिए गए हैं, और यहाँ भी दिए गए भाई 1 2 3 4 यहाँ दिया गया है। और इसकी शो भाई यहाँ से ओपन होती है, इसको खींचने के बाद में सिंगल बोनेट के साथ ही आपको ट्रैक्टर मिलने वाला है। और आगे से लुक भैया इस ट्रैक्टर की बहुत बढ़िया दी गई है, आगे की लाइटिंग वगैरह देख सकते हो आप, और यहाँ महिंद्रा की बैजिंग मिलेंगे। कलर बहुत प्यारा है इस ट्रैक्टर का, लगभग महिंद्रा में सभी ट्रैक्टरों के अंदर रेड कलर आता है। साइड के अंदर बैटरी है और साइड के अंदर इसका साइलेंसर मिलेगा, ड्राई टाइप इसका एयर कलर मिलने वाला है। और एक चीज़ और भाई महिंद्रा के अंदर मेरे को सबसे बड़ी सी क्या लगती है भाई, इंजन वगैरह में इतनी ज़्यादा कोई भैया बाकी आगे साइड के अंदर पाइपिंग वगैरह कुछ नहीं कर रखा भाई। पर्सनली मैं किसी ट्रैक्टर का नाम नहीं लेना चाहता, 1-2 ट्रैक्टर कंपनी के ट्रैक्टर हैं भाई, इतने जुगाड़बाजी बार कर दी है कि भाई कपड़ा नहीं लगता ट्रैक्टर का भाई। खेत में चलेगा मिट्टी वगैरह लगेगी तो साफ तो रोज़ करना ही पड़ेगा, तो भाई कपड़े की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। बात करें भाई इसके फ्यूल टैंक की, तो भाई इसका 66 लीटर का फ्यूल टैंक है जो काफ़ी बड़ा है, और फ्यूल टैंक की सेफ्टी के लिए यहाँ लॉक दिया गया, ये भी बहुत बढ़िया है। और इसका फ्यूल टैंक भाई लोहे का मिलने वाला है, फाइबर का नहीं है, ये देख सकते हो आप। और मगराट भी आप देख सकते हो, बहुत स्टाइलिश मगराट दिए गए हैं, देखने में लुक बहुत बढ़िया लग रही है। और कई ट्रैक्टरों के भाई इस कैटेगरी के ट्रैक्टर जो हैं उनकी भाई सिंपल से मगराट आते हैं, तो वैसा महिंद्रा नहीं किया है भाई, इसकी लुक और बेहतरीन हो तो उसके लिए भी इस टाइप के मगराट दिए गए हैं, आप दूर से देख सकते हो कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। बात करें इसके पीछे के टायरों की, तो 16/9/28 के MRF के आपको टायर मिलने वाले हैं, और पीछे भाई कंपनी फिटेड आपको वेट नहीं मिलेगा, अगर आप अपने अनुसार एक्स्ट्रा वेट लगाना चाहते हो तो लगवा सकते हो। बात करें इंडिकेटरों की, तो इंडिकेटर तो भाई लगभग थोड़े सिंपल से ही है, बट इसके बाहर जो इस इंडिकेटर को कवर कर रही है जो इसकी लुक है वो और इसको बेहतरीन बना रही है। और बात करें भाई इसके ऊपर चढ़ने के लिए भाई आपको 2 पौड़ियाँ सी दी गई है, और यहाँ भाई आप पकड़कर इसको और सेफ्टी के लिए भाई ताकि किसान वगैरह आसानी से ऊपर ट्रैक्टर के चढ़ सके, तो ये भी महिंद्रा ने काफ़ी ध्यान दिया है। बात करें भाई इस ट्रैक्टर के गियरों की, तो इसमें आपको हाई लो मीडियम 3 गियर मिलने वाले हैं, जो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो आप हाई लो और मीडियम। तो
छोटा सा स्टाइलिस्ट भाई इसका स्टेयरिंग दिया गया है, और ये गेयर भाई जो सभी ट्रैक्टरों के अंदर आ रहा है भाई। यहाँ इसमें स्टिकर भी लगा हुआ है फॉरवर्ड और रिवर्स, झंझट ही ख़त्म करने लगे आजकल भाई, बारी बारी वहाँ गेयर चेंज करने का, यहाँ से गेयर चेंज करो फॉरवर्ड रिवर्स भाई ये दश, और पीटीओ के लिए यहाँ अलग से दे दिया भाई, ये भी बढ़िया किया है। और पीटीओ वही भाई सभी के अंदर मिलते हैं, जो इसके अंदर भाई 540 और वो सभी इसके अंदर वही सेम मिल रहे हैं। और भाई फ्लैट इसका प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, काफ़ी स्पेस है इसके अंदर, आप अपने खेत के अंदर ना आसानी से बिना थके ना लंबे टाइम तक काम कर सकते हो। कई ट्रैक्टर में स्पेस बहुत कम होता है, प्लेटफॉर्म फ्लैट नहीं होता और किसान को बहुत दिक्कत आती है, तो ऐसी दिक्कत इसके अंदर आपको आने वाली नहीं है। ये चीज़ बहुत बढ़िया दी गई है भाई प्लेटफॉर्म की, और इसकी भी सीट है जो एडजस्टेबल है, जो सभी ट्रैक्टरों के अंदर आ रही है, आप अपने काम के अनुसार इसको आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो। और बात करें इसके मीटर की तो भाई बढ़िया से भैया, आजकल जो गाड़ियों के अंदर जो मीटर आ रहे हैं भाई स्टाइल के, और बहुत बढ़िया मीटर दे रखे हैं भाई, आगे से लुक दे सकते हो ट्रैक्टर की, ज़्यादा ऊपर उठा हुआ नहीं आगे से, तो बढ़िया है और आगे आपको देखने में काफ़ी आसानी रह रही है। और बात करें भाई इसके गियरों की, इसके भाई आपको 5 गियर मिलने वाले हैं, मतलब आपको 15-3, कई ट्रैक्टरों के अंदर अभी 4 मिलते हैं, इसके अंदर आपको 5 गियर मिलने वाले हैं। और बात करें भाई इस ट्रैक्टर के भी लिफ्ट कैपेसिटी की, तो भाई 2200 से लेकर 2500 kg इसकी ट्रैक्टर की लिफ्ट कैपेसिटी है, जो इस कैटेगरी ट्रैक्टर के अनुसार बहुत बढ़िया है। और बाकी इसके भी पीटीओ पावर और पीछे के हिस्से वगैरह पर नज़र डाल लेते हैं भाई। बात करें इसके पीछे के हिस्से की, तो बढ़िया मजबूत हिस्सा दिया गया, आप देख सकते हो देखने के अंदर के ट्रैक्टर क्या होते हैं, 20 HP के जो कैटेगरी के ट्रैक्टर हैं तो इसे इतना मजबूत नहीं दिखता, अभी देखने में बहुत बढ़िया मजबूत हिस्सा बनाया गया है। आपको कोई भी हैवी इंप्लीमेंट वगैरह यूज़ करना हो या कैसे भी किस भी चीज़ के अंदर यूज़ करना हो तो ऐसी दिक्कत आने वाली है। पीछे से आप देखो ना ट्रैक्टर, आपको लगे भाई कितना बड़ा ट्रैक्टर है, ये बढ़िया किया है। और यहाँ भाई आपको डबल टोपलिंग के लिए आपको बोल मिलेंगे, या अगर 3 दे देते ना तो बढ़िया होता भाई, लगभग ये ट्रैक्टर भाई हैवी इंप्लीमेंट भी यूज़ होंगे तो 3 के तो लगभग मेरे को लगता नहीं है कि इसकी लोड पड़ने वाली है, क्योंकि भाई दबने का कोई नाम नहीं है, जोर से मर्जी में डाल देना ट्रैक्टर खुला चलेगा। और एडजस्टेबल इसकी हिच मिलने वाली है, आप अपने काम के अनुसार इसको ऊपर नीचे कैसे भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। भाई बात करें इसके ट्रैक्टर के पीटीओ पावर की, तो भाई इस ट्रैक्टर की पीटीओ पावर लगभग आपको 47 से लेकर 50 HP तक की कैटेगरी, 47 से 50 HP तक की इसकी पीटीओ पावर आपको मिलने वाली है। और भाई इसकी लिंक की आप देख सकते हो कितनी मजबूत दी गई है, ये देखो भाई मोटाई देखो इसकी लिंकों की, काफ़ी बढ़िया है। और भाई पीछे का हिस्सा देखो भाई, इतना मजबूत किसी का हिस्सा अगर आपको मिले तो भाई कमेंट में ज़रूर बता देना मेरे, मैंने तो इतना हिस्सा, और भाई साइज में देखो कितना बड़ा हिस्सा है इसका, काफ़ी बढ़िया दिया गया है। और भाई डिस्ट्रीब्यूटर वाल है वो आपको डबल मिलने वाले हैं, मैं उस साइड से आपको दिखा देता हूँ एक बार, डिस्ट्रीब्यूटर वाल आपको 2 मिलेंगे। एक चीज़ और भाई, ये चीज़ नोट कर रहे हो भाई, स्पैंडल वगैरह इसके और ऐसे भाई रेस वगैरह, भाई जैसे ना आप कोई कार के अंदर बैठे हो ऐसा महसूस होएगा आपको। ये भाई 1-2 कंपनियों के ट्रैक्टर हैं, लगभग उन्हीं में आते हैं, बाकी सिंपल ही आते हैं, तो ये भी बढ़िया दिया हुआ है महिंद्रा ने। और इस साइड में आपको दिखा देता हूँ भाई, डबल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल, ये देखो भाई डबल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल मिलेंगे। और यहाँ भी पीछे आप इंप्लीमेंट वगैरह को यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए लाइट वगैरह, रात को काम कर रहे हो तो लाइट वगैरह के यहाँ भी इसका कनेक्शन वगैरह यहाँ है, और यह लाइट मिलेगी। और ये भाई आप पीछे के आपको इंप्लीमेंट वगैरह ट्रॉली वगैरह में आप लाइट का कनेक्शन करना चाहो तो यहाँ आपको स्विच मिलेगा, ये भी बहुत बढ़िया। और यहाँ भी नंबर प्लेट लगेगी आपकी, और यहाँ ऊपर इसके लाइटिंग दी गई है। और ये भाई मुझे किस चीज़ की वायरिंग है ये मुझे थोड़ा पता नहीं है, अभी मैं डीलर से बात करके इस पर भी लगभग वीडियो बना दूंगा, अगर किसी को वीडियो चाहिए तो ये मुझे आप खुद कन्फर्म नहीं है कि किस चीज़ का स्विच है। और मोबाइल चार्जिंग वगैरह के लिए भाई आपको
रिफ्लेक्टर वगैरह और मगराड़ भैया बढ़िया मजबूत बनाए गए हैं, और साइड से आप इसकी लुक दे सकते हो भैया, काफ़ी बढ़िया लुक है ट्रैक्टर की, और ग्राउंड क्लीयरेंस भाई बहुत ज़बरदस्त ट्रैक्टर का है। नीचे से भाई खेत वगैरह में काम करने से आपको कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगी भैया, आप ट्रैक्टर को खेत में कैसा भी काम कर सकते हो, ग्राउंड क्लीयरेंस बहुत ज़बरदस्त ट्रैक्टर का है। और भाई ऑयल फिल्टर देखो भाई, इसका बहुत बड़ा ऑयल फिल्टर है इसका। और भाई सिले वगैरह भाई देखो भाई कितनी सफाई से काम किया गया है, बहुत सफाई से काम किया गया है। एक चीज और भाई, यहाँ क्या लिखा गया भाई, महिंद्रा फाइनल ओके। ट्रैक्टर को भाई जब कंपनी से निकलते हैं ना तो यहाँ चेक चुके होके फिर यहाँ स्टिकरिंग होती है भी हाँ भाई ट्रैक्टर ओके है, कोई दिक्कत वगैरह कोई कुछ नहीं है, तो ताकि भाई किसान ले जाने वाला कोई दिक्कत वगैरह ना आए, इसका भी ध्यान रखा गया, यहाँ स्टिकरिंग की गई अभी फाइनल ओके है। और कलर बहुत ज़बरदस्त है ट्रैक्टर का। बात करें इस ट्रैक्टर के प्राइस की, तो भाई प्राइस वगैरह आप यहाँ डीलर से संपर्क कर सकते हो, एड्रेस मैंने भाई बता दिया आपको पहले वाली वीडियो में, दोबारा बता देता हूँ, फतेहाबाद से सिरसा रोड है जो, तो MM कॉलेज है तो उसका गेट है उसके सामने, यहाँ महिंद्रा के डीलर हैं भाई, उनसे संपर्क कर सकते हो, इन ऑन रोड है। वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक जरूर करना, वीडियो आपने यहाँ तक देखी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।